हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में मेरे परिवार में मेरे परिवार चंगाई प्रदान कीजिए मैं आपकी आराधना करता हूँ मैं आपकी महिमा गाता हूँ आपकी महिमा हालेलुया हालेलुया ईसा ने कहा जागते रहो प्रार्थना करते रहो जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु कहता है मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 29 इस जाति की आत्माएं बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु कहता है अगर आपको दुष्ट आत्मा से लड़ना है तो उपवास, प्रार्थना और तपस्या की आवश्यकता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकाली जा सकती। तो यीशु के जीवन में कठिन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। वो निरंतर अवधूत ग्रस्तों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, मुर्दों को जिलाते। गिरासा का अवधूत ग्रस्त बाइबल हमें बताती है कि जब उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा तो वो दूर से ही चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुझे हमसे क्या, समय से पहले तू हमें सताने क्यों आ गया है। प्रभु उसे डांटते और चुप रहने का आदेश देते और उससे निकल जाने का वो उन्हें आदेश देते थे। प्रियजनों, प्रभु यीशु यूहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हमें बताते हैं कि शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें चेतावनी देता है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, कब किसको फाड़ खाए, कब किसको प्रलोभन में डाले। प्रियजनों, हम इस उपवास, प्रार्थना के द्वारा, बंदगी के द्वारा अपने आप को सुदृढ़ करें, अपने विश्वास को दृढ़ करें, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में शक उत्पन्न करता, हमारे जीवन में हमें निरुत्साह कर देता है, हमें निराशा में डाल देता है, हमें असमंजस में डाल देता है और हमें अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और प्रलोभनों में डालता है। वो हमें हारने पर मजबूर कर देता है और अंत में जब व्यक्ति हार जाता है तो वो आत्महत्या करने का निर्णय लेता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु को याद करना, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको सामर्थ्य देगा, आपको वचन दिए जाएंगे, पवित्र आत्मा जो सहायक है आपकी अगुवाई करेगा और आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे परिवार में शांति आ जाए चंगाई आ जाए मेरे शरीर पर मेरे जीवन पर बीमारियों का रोग शक्तियों का कोई अधिकार नहीं है सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18, यह समय कठिन है और ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहें, दृढ़ता के साथ प्रभु में लीन रहें, उसके वचन को पालन करें और वो आपकी रक्षा करेगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10, मूसा हाथ उठाकर हारून और ऊर के साथ प्रार्थना कर रहा था। जब इजरायली योशुआ की अगुवाई में अमालेकियों से युद्ध कर रहे थे तो मूसा हारून के साथ और उर के साथ हाथों को उठाते हुए पिता से प्रार्थना कर रहा था।
जब मूसा के हाथ नीचे जाते तो एक ओर से उर उसको पकड़ता और दूसरी ओर से हारून उसको पकड़कर ऊंचा करते थे। जब वो थक जाता था तो उसके कोहनियों के नीचे वो पत्थर की टेकनी लगा दिया करते थे ताकि उसके हाथ ऊंचे रहें। और जितनी देर मूसा के हाथ ऊंचे रहते थे, इबादत में रहते थे, प्रार्थना में रहते थे, उतनी देर इजरायली जीतते जाते थे, जीतते जाते थे। प्रिय दंपतियों, माता पिता, जब तक आपके हाथ परमेश्वर की इबादत में ऊंचे रहेंगे, आपकी संतान जीतती जाएगी। आध्यात्मिक युद्ध में वो जीत हासिल करेगी। शैतान डर के भागेगा, क्योंकि यीशु के वचन, उसके नाम और इबादत से, प्यारे भाइयों और बहनों, वो दूर चला जाता है, छोड़कर भाग जाता है। यीशु का नाम पावन नाम, सामर्थ्य नाम। आइए हम उन बातों के लिए प्रभु से दया की याचना करें, क्षमा मांगें। जब हम ईमानदार नहीं रहे, हम अपने जीवन में प्रलोभन में गिर गए, हम प्रभु से दूर चले गए, विषम परिस्थितियों में हमने अनेक प्रकार के शगुन विचारने शुरू किए, उन बातों के लिए क्षमा की याचना करें। अपनाया फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा, तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा, मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा।
पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया, मैं पापी हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु, दया कीजिए हम पर, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा होने दे। प्रियजनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 19 प्रभु का वचन कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर, तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले, ले चले। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का अध्याय 55 अध्याय 55 पद संख्या 6 पद संख्या 6 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चली जा, तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देती रहे, तब तक उसकी दुहाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 7 पद संख्या 7 मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगता है, जो मांगता उसे दिया जाता है, उसे दिया जाता, जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए, उसके लिए खोला जाता है, खोला जाता है, जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वह पा जाता है, पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से, मैं अपने जीवन सारी बुराई को, सारी बुराई को, ईर्ष्या और जलन, ईर्ष्या और जलन, क्रोध और आलसपन, क्रोध और आलसपन, निराशा, निराशा और हर प्रकार की बुराई, और हर प्रकार की बुराई अपने जीवन से, अपने जीवन से अलग करता हूँ, अलग करता हूँ। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को जोड़ें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपका घर प्रभु की मामूरी और चंगाई से भर जाए। जितने भी लोग इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको मसा करे, प्रदान करे। आज की इस इबादत में प्रभु ने संदेश दिया कि तुम प्रार्थना करते रहो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, विषम परिस्थितियों में प्रार्थना दुगनी कर दो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सिरों को झुकाएं, इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हों, विश्वास के साथ इस अनॉइंटिंग को आप ग्रहण करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे वचन के द्वारा आज इन सारे लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनके घरों में तेरी शांति विराजे। और प्रभु यीशु इन्हें आशीष प्रदान कर, मैं तेरा दास तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, जितने भी लोग बीमार हैं, लाचार हैं, चल फिर नहीं सकते, लकवे से पीड़ित हैं, अस्थमा के रोग से पीड़ित हैं, इन पर दया कर दे, इनके पापों को, गुनाहों को माफ कर दे, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई क्षमा कर दे, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए
हम तुझसे क्षमा की याचना करते हैं, तेरा आत्मा हम पर अधिकार ले। हे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र दाहिने हाथ से हमें बचा, शैतान के सारे षड्यंत्रों से, धूर्तता की आत्मा से हमें बचा। दुर्दिन में हम तेरे पवित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए शैतान की धूर्तता का सामना कर सके। हे प्रभु यीशु, देश के अधिकारियों, नेताओं पर, धर्माधिकारियों, पुरोहितों पर, लोकधर्मियों पर दया कर, जिससे तेरी महिमा हमारे जीवन में, परिवारों में होती रहे, इन घरों में तेरी महिमा सदा होती जाए। हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, जिससे हम तेरी महिमा में सदा अपने आप को समर्पित करते जाए। तू दया का राजा है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला है, जीवन देता, शांति प्रदान करता है, आनंद देता, तू सच्चा चरवाहा है, तू पाक है, तेरा नाम पवित्र है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे पिता, मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है, उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे पिता, मैंने जो कुछ तुझसे मांगा है, उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा तेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो जाए। इन्हें लाइलाज बीमारियों से आजाद कर, इनके दुखों को हल्का कर, इनके दफ्तरों में आशीष प्रदान कर, इनके खेत खलियानों, चौकटों, बिछौनों को अपने पवित्र लहू से मसा कर दे, यात्रा में इनकी सहायता कर, इनके आगे आगे चलने की कृपा कर और इनकी अगुवाई कर, जैसे तूने इसराइलियों की अगुवाई की। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आ।